60 रुपए का सेल है। अच्छा, उससे करवा सकते हो कम पर। हमारा जो रिलैक्सिंग चेयर है ये कितने की होगी? Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है भव्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा एक और नया व्लॉग। तो आज मैं एक बहुत ही अलग से मार्केट में आया था। गुड़गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है, इसका नाम है बंजारा मार्केट। भाई, घर को डेकोरेट करने का किसका मन नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि उनके घर पे बढ़िया बढ़िया शोपीस हो, बढ़िया बढ़िया आइटम्स हो शोकेस के लिए। तो आज उसी एक मार्केट में आया हूँ जहाँ पे आपको चीप एंड बेस्ट आइटम्स मिलने वाले हैं सस्ते मंदे। तो मेक श्योर करना कि आप इस ब्लॉग को एंड तक देखें। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पे जानेंगे। बाकी आप पीछे देखो, पीछे ये पूरा बहुत ही बड़ा मार्केट है, मतलब सेक्टर 56 गुड़गांव में है। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और अभी एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताएंगे यहाँ पे। एंड मेरे साथ आज यहाँ पे आया हुआ पार्थ मदान। तो पार्थ, अभी मतलब पार्थ मुझे मैंने इस मार्केट के बारे में बताया, ये कहता था कि मैंने सुना है देखा नहीं है, तो आज हम दोनों देखने वाले हैं। क्या लगता है, क्या क्या मिलने वाली चीज़ें आप? डेकोरेशन से रिलेटेड है, सब कुछ मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे चलते हैं, सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा यहाँ पे शोपीस कितने का है। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम आए थे इस शॉप पे, यहाँ पर हमारे भाई है हमारे साथ। भाई, आपका नाम क्या था? जानू भाई का नाम है। सो भाई, आपकी काफी बड़े बड़े आप देख सकते हैं, ये मतलब बुद्धा के फेसेस हैं। तो इनका क्या रेट होगा, कितने से आपके पास सबसे छोटी आइटम शुरू होती है, कितने सबसे बड़ी? अगर इसकी बात करें तो ये सबसे बड़ी बड़ी कितने की? 35। ये सिर्फ और सिर्फ 3500 की है। और प्राइस बढ़ता रहता है, घटता रहता है या सिर्फ सेम रहेगा? अच्छा, आगे पीछे होता रहता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े, मतलब आप देख सकते हैं ये पूरा 3500 का A to Z सारी चीज़ें हैं। और ये पीछे वाली कितने की है मूर्ति? 4500। ये 4500 की है। तो ये और ये हमारे जो हैं ये छोटे छोटे, ये 2500, ये 2500 का है। पीछे आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे फाउंटेन्स भी हैं। तो इन फाउंटेन्स का क्या रेट होगा? 3500। इसका 3500 और ये 8000 के आसपास इसका रेट होने वाला है। एंड ये बेसिकली जो हमारी ग्रास और लीव्स होती है, ये क्या रेट होगा भैया? अच्छा, ये खुद की पर्सनल है। अच्छा, चलो। एंड आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पे और भी, ये मूर्ति का कितना रेट है? 25। ओके, ये 2500 है। ये इधर आप बता सकते हैं ये कितने कितने के होंगे? ये 3500 की है। उधर ओके, सेम प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है। एंड अगर भाई किसी को लेना हो तो वो पेमेंट क्या कर सकता है, मतलब ऑनलाइन हो चलेगी पेमेंट? तो ये सबसे बढ़िया बात है। आप देख सकते हैं मतलब सारी चीज़ें हैं और डेकोरेशन के लिए ऑनलाइन पेमेंट आप दे सकते हैं, कैश पेमेंट आप चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। ओके, सो और ये छोटे छोटे जो हमारे बुद्धा फेसेस हैं ये कितने के होंगे? ये सब सिर्फ और सिर्फ 1000 के। एंड ये कुछ ऐसा है जो प्राइस ऊपर नीचे होता रहे, मतलब कोई आएगा अपने तरीके से बात करेगा तो कम हो सकता है? 100-200 की बार्गेनिंग होती है बस हमारे यहाँ। अच्छा, 100-200 की हो जाएगी बार्गेनिंग। तो हाँ, अगर किसी को गिफ्ट करना है कोई आइटम, अगर बर्थडे है किसी का, किसी को एनिवर्सरी गिफ्ट करना है, तो आप ये चीज़ ईजिली कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं और चीज़ों का रेट जानेंगे, पूरे मार्केट के बारे में जानेंगे। एंड अगर यहाँ पे आना हो भैया की, जानू भाई की शॉप पे आना हो, तो पेट्रोल पंप के पास सबसे पहली दुकान भैया की। तो यहाँ पर हम आते हैं अगली शॉप पे। एंड ये भैया, भैया आपका नाम क्या होगा? सुबह। ओके, सुबह भाई, तो एक बार मुझे बता सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? यहाँ भाई साहब हर तरह के लैंप मिलेंगे आपको, घर के जितना भी सजाने का सामान है। हाँ जी, बहुत दूर दूर से आता है। ओके, एंड ये देख सकते हैं आप, ये जैसे कैफे वगैरह में आजकल लैंप चलते हैं, तो क्या रेट होगा दोस्त इनका? ये भाव जी 2500 का भी मिल जा रहा है। 2500 के कितने हैं? इसमें 6 बल्ब है, बैम्बू है, रस्सी है, पूरा सेट है ये। ओके, 6 पूरा, मतलब 2500 रुपए में पूरा सेट पड़ता है, आप देख सकते हैं। उससे करवा सकते हो कम पर। अच्छा, रेट ऊपर नीचे होता रहेगा। एंड ये अगर हम बात करें जो केज में है, ये कितने का पड़ जाएगा? 1500 का 3 का सेट है, अगर दिवाली वगैरह के लिए किसी को लैंप वगैरह चाहिए तो। एंड अंदर आते हैं तो ये छोटे छोटे, ये क्या है दोस्त? ये ट्रे वगैरह है जोधपुर की। ओके, जोधपुर की ट्रे, ये कितने कितने की होती है? ये भाव जी 200 की भी है, 400-500 जैसी ट्रे वैसे रेट है। ओके, जैसी ट्रे वैसा रेट। एंड ये छोटे छोटे लालटेन भी हैं, इधर फ्रेश पीस मिल जाएगा इनका। और इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कितने की होगी अगर हम बात करें इसके? तो ओके, मात्र 100 रुपए की आपको मिल सकती है। एंड ये छोटे छोटे, ये क्या होते हैं दोस्त? इधर ये टोकरियाँ हैं, फूल वगैरह फल वगैरह ले जाने के बास्केट। और ये क्या रेट होता है इनका? ये भाई 300 की 400 की जैसी मिलती है। क्या बात है। ओके, तो आप देख सकते हैं मतलब काफी सारी चीजें। एंड ये पीछे डेकोरेशन का जो प्लेट्स वाला है, डेकोरेशन का सामान, ये कितने का है ये पीछे? ये हाँ जी, ये भाई 1000 का ही मिलता है, 1500 का ही मिलता है। ओके, तो आप देख सकते हैं भैया के पास काफी सारी चीजें। इवन आप जो क्लॉक देख रहे हैं वो यहाँ पे क्लॉक भी मिल जाएगी। और ये बड़ी लालटेन, ये कितने की है दोस्त? ये बाबूजी 1000 रुपए की। 1000 रुपए की है। इसमें एक बड़ा साइज भी है।
ओके, एंड ये 1500 रुपए का। ओके, तो आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े साइज है इनके। ओके, एंड ये हमारा जो एस्ट्रे भी कह सकते हैं इसे, या फिर इसमें आप पानी रख के फूल वगैरह भी डाल देते हैं। ये है डेकोरेशन के लिए, तीन का सेट है। ये कितने का होगा दोस्त? ये 1500 रुपए का, इसमें तीन है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, एंड इस घड़ी की बात करें तो घड़ी कितने की होगी दोस्त? ये घड़ी बाबू जी पड़ जाएगी 1200 रुपए की। 1200 रुपए तक की घड़ी मिलेगी, इसमें बैट लगा हुआ है। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये पूरे आप देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और इसमें बल्ब वगैरह आप लगा के दोगे या बल्ब अपने लगाने पड़ेंगे? बल्ब सब कुछ सेट करके देंगे आपको, जला के दिखा के देंगे। ओके, बिल्कुल जला के सारी चीज़ें दिखा के देंगे। एंड ये वाले कितने के होंगे सेट जो होंगे हमारे? 2000 रुपए के हैं। ओके, 2000 के तीन लैंप है, ये लकड़ी में है, बहुत बढ़िया, इसमें रोशनी निकल के आती है, घर में लगाओगे तो मन खुश हो जाएगा चीज़ें। क्या बात है, तो ये सारी चीजें थी आपने देखी होगी भैया की शॉप पे। एंड अगर दोस्त आपकी शॉप पे आना हो तो कैसे आ सकते हैं? आप सीधा बंजारा मार्केट बोलो, हाँ जी, 56 सेक्टर बंजारा, फेमस है। अच्छा, काफी बहुत आइटम है यहाँ जो, अच्छा, अलग अलग जगह है, किसी शॉप पे या शोरूम पे भी नहीं मिलेगी वो चीज, यहाँ मिल जाएगी। ये बात तो है, मैं अभी तक पूरे मार्केट को देख रहा था तो वहाँ पे इतनी सारी चीजें मतलब दिखी है मेरे को, चाइना का सामान हो गया या फिर जोधपुर का, जैसे अभी मैंने हमें ट्रे दिखाई उधर, तो काफी सारी चीजें हैं इधर। बाकी अभी और मार्केट देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या खास चीजें हैं। बट ये थी हमारे भाई की शॉप। तो हमने बात करी थी घर की सारी, ना भी हमें डेकोरेशन का सामान था उसकी। एंड यहाँ पर हम आते हैं क्रॉकरी के बारे में, तो दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन। हुसैन भाई, तो हुसैन भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं तुम्हारे पास, एक बार मुझे बता सकते हो? यहाँ तो सोप वगैरह, कप, कॉफी मग वगैरह आप देख सकते हैं। तो क्या क्या रेट होगा कॉफी मग का अगर हम यहाँ से शुरू करें? 60 रुपए का सेल। अच्छा, ये 60 रुपए के सेल है। और आप देख सकते हैं मतलब ये वो वाले मग नहीं है जिसको चूरा एकदम से निकल के मुंह में आ जाए, काफी अच्छी वैरायटी है। और इधर भी आप देख सकते हैं, ये कितने का होगा? अच्छा, यहाँ से लेके एंड तक सारे पूरे 60 रुपए के ही है। ओके, एंड अगर हम इधर बात करें तो ये कितने कितने के होंगे हमारे जो आगे की ये ट्रेज है, ये ट्रे हो गई, प्लेट्स हो गई, ये तो ये पड़ेगा आपको 200 का है। ये 200 का है, आगे ये 60 रुपए। छोटे छोटे हमारे 60 रुपए के। एंड ये गुल्लक हमारी कितने की आएगी? 100 रुपए की गुल्लक है। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी चीजें हैं भाई के पास, काफी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये साबुन रखने के लिए जो हमारा होता है, ये कितने कितने का होगा? 80 रुपीज़ का ओनली। तो 80 रुपीज़ के अक्सर प्लास्टिक वगैरह के मिलते हैं मार्केट में। एंड यहाँ पे जो बड़े बड़े मग्स हैं इनका क्या रेट है? 150 का है। ओके, ओके, ये 250 का है और केटली 250 की होगी। आगे बढ़े तो इस साइड ये हमारी जितने भी छोटी छोटी ये गुल्लक है, ये कितने कितने की है? ये पड़ेगा आपको 200 का। ओके, एंड ये गुल्लक कितने कितने की है सारी? ये गुल्लक 100 का है। ये 100 रुपए की गुल्लक आप देख सकते हैं। एंड ये जो तुम्हारे हाथ में है बड़ा सा, ये फ्लावर वॉस है। ओके, एंड ऊपर अगर हम इनकी बात करें तो ये सब कितने? ये सारे 250 के हैं। क्या बात है। एंड ये कप कितने कितने के हैं दोस्त? कप 250 रुपए का, 600 का। ओके, 250 के 6 यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैरायटी है इस मार्केट में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा और चीज़ें भी बहुत सारी मिल सकती हैं यहाँ पे।